जैसे कि हम पढ़ते हैं आजकल ये हो रहा है कि हम मैक्सिमम हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज मतलब जॉब करेंगे लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है मे भी वो ना हो कुछ बड़ा मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाए वॉस करें देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए ये सोच ही गलत है अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है क्या ब्रेन है हमारे पास में क्या थिंकिंग पावर है क्या एबिलिटीज है इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए सर्वाइव होने के लिए सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं उसमें क्या बड़ी बात है तो नॉलेज को यूज करो यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए माइंडसेट को चेंज करो अभी क्या एज है बीस साल बाईस साल अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं बीस साल तीस साल चालीस साल पचास साल अभी पूरी लाइफ पड़ी है उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप कैसी लाइफ चाहते हो आप उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज नॉलेज की कहां कमी है और अपने दिमाग को खोलो सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से पढ़ाई करी उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं अरे नहीं वो समय गया आज अनलिमिटेड फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है दिमाग बंद है बोलते हैं ना माइंड इज लाइक अ पैराशूट इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन तो दिमाग को खोलो देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है जॉब इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी देर टू मेक मनी यू मस्ट हैव दैट िटी टू क्रिएट सम्यू फॉर दी सोसाइटी फॉर दी वर्ल्ड अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए आप इसको ऐसे देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं आपकी लाइफ में मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विस से सॉल्व हो जाती है आप पैसे दोगे या नहीं दोगे देंगे। दोगे ना तो और लोग भी तो आपको देंगे इसी को तो बिजनेस बोलते हैं